बच्चों, इस वीडियो में हम रहीम दोहे का व्याख्या या आशय पढ़ेंगे। निम्नलिखित दोहों की व्याख्या या आशय स्पष्ट कीजिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीम कहते हैं, प्रेम धागे के समान अखंड और कोमल होता है, इसे कभी भी जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहिए। यदि एक बार यह धागा टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता। यदि जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आशय यह है कि यदि प्रेम एक बार टूट जाए तो भी मन में ग्रंथि रह जाती है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लहे लोग सब, बाटी न लहे कोए। रहीम लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं, लोगों, तुम अपने मन की वेदना को अपने मन में ही छिपा कर रखो, उसे किसी के सामने प्रकट मत करो। यह संसार बहुत निर्दय है, लोग तुम्हारे कष्ट को सुनकर प्रसन्न नहीं होंगे। कोई भी मनुष्य तुम्हारे दुख को कम करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। एकई सादे सब सधै, सब सादे सब जाए, रहीमन मुलाही चीची बो, फुले फले अघाए। रहीम कहते हैं कि एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सब सांसारिक उपलब्धियां स्वयमेव प्राप्त हो जाती है, परंतु यदि परमात्मा की भक्ति न की और अन्य सांसारिक वस्तु को पा लिया तो वे सब उपलब्धियां परमात्मा के भाव में कुछ काम नहीं आती या नष्ट हो जाती है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जड़ को सींचो, उसी से तुम फल फूकर तृप्त हो जाओगे। आशय यह है कि जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा को ध्याता है वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहीम कहते हैं, यह चित्रकूट अत्यंत मनोरम तथा धार्मिक प्रदेश है, जिस पर भी विपत्ति आती है वही शांति पाने के लिए इस प्रदेश में खींचा चला आता है। देखिए, अयोध्या के राजा राम पर विपत्ति पड़ी, उन्हें राजपाट छोड़कर वनों में जाना पड़ा तो वे चित्रकूट में चले आए। अब वे पूरी तरह इस प्रदेश में रम गए हैं, उनका मन यहाँ रम गया है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, जो रहीम नट कुंडली सिमिति कुदी चढ़ी जाए। रहीम कहते हैं, दोहा चंद ऐसा है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में भी से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित से शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह जाता है। धनी रहीम जलपंक को लघु जिया पियत अघाय, उधती पढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। रहीम कहते हैं, मेरी दृष्टि में कीचड़ का जल भी धन्य है, क्योंकि उससे कितने ही लघु जीव अपनी प्यास बुझाते हैं। समुद्र की महानता किस काम की जिसका जल पीने योग्य नहीं है। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आशय यह है कि महान वही है जो किसी के काम आए। नाद रिचि तन देत मृग, नर धन हेत सवेत, ते रहीम पशु से अधिक रिजेहु कछु न देत। रहीम कहते हैं, संगीत की मोहनी तान पर झूमते हुए हिरण अपने प्राण तक नौछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी की कला पर मुक्त होकर
मनुष्य उस पर प्रेम सहित धन अर्पित कर देता है, परंतु वे मनुष्य तो पशु से भी अधिक जड़ है, जो किसी पर रिझकर भी उसे कुछ नहीं देते। बिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीम कहते हैं, एक बार जो बात बिगड़ जाती है वह लाख प्रयत्न करने से भी संवर्ती नहीं है। उदाहरण है, यदि एक बार दूध फट जाए तो उसे कितना भी मथो, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। रहीम कहते हैं, हमें बड़े लोगों को सामने देकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, छोटों का भी अपना महत्व होता है। उदाहरण के रूप में, जहाँ सुई का प्रयोग होता है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती, अतः छोटों की भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनो पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीम कहते हैं कि संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार पानी का हवा होने पर सूर्य कमल की कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे किंतु उसे बचाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले किंतु उसकी वास्तविक रक्षक तो निजी संपत्ति होती है। रहीमन पानी रखिए बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। रहीम कहते हैं, पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखो। यदि पानी समाप्त हो गया तो न तो मोती का कोई महत्व रह जाता है, न मनुष्य का और न आटे का। पानी अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है, और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा बेकार है। धन्यवाद बच्चों, हमारे अगले वीडियो में हम इस दोहे के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।